हाइला इतने सारे पैसे, वैसे ब्लैंक चेक है। ये पागलपन के लिए आई एम सॉरी, बट हाँ आप जिस वजह से ये वीडियो देखने के लिए आए हैं, ये वीडियो उस ही बारे में है। आई हैव रिसीव्ड माई फर्स्ट यूट्यूब इनकम, ये यस खुश तो हूँ, क्योंकि ये जो चीज है, वैसे यूट्यूबर तो हूँ ही, बट बडिंग यूट्यूबर इज बेटर वर्ड एक्चुअली। और ये जो एक पार्ट है, ये हर यूट्यूबर के जिंदगी में एक बार जरूर आता है, और ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स होंगे जिनके लाइफ में ये चीज़ आने वाली होंगी, या फिर वो इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसा लगता है यार फर्स्ट इनकम जब आपके हाथ में आती है यूट्यूब से, और बहुत अच्छी फीलिंग होती है यार, सच बताओ तो आपने जो इतनी मेहनत की उसका एक फल आपको मिलता है, तो वो फीलिंग तो बहुत ज़बरदस्त लगती है। वैसे जितने भी यूट्यूबर्स ये वीडियो देख रहे हैं, उन लोगों को पता ही होगा कि यूट्यूब का क्राइटेरिया मैच करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है उस चीज़ के लिए। अगर मैं कहूँ तो मैंने ये चैनल 2018-19 के टाइम पर शुरू किया था, और मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ कब, 2020 नवंबर में। ऐसे ऐसे कई सारे यूट्यूबर्स भी होते हैं जिन लोग का चैनल मोनेटाइज बहुत जल्दी हो जाता है, विद इन 6 months, 3 months, या फिर उनका कंटेंट इतना ज़्यादा वायरल हो जाता है कि वो क्राइटेरिया बहुत इजीली पास कर लेते हैं। शायद मैं उन यूट्यूबर्स में आता हूँ जिन्हें थोड़ा सा टाइम लगता है, धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप हम लोग ऊपर आते हैं और वो इनकम आपके हाथ में आती है। सीधे सीधे पॉइंट पे आता हूँ तो आप लोगों को पता ही होगा कि गूगल एडसेंस का एक थ्रेशोल्ड होता है विच इज़ $100, यानी $100 के बाद आप वो अमाउंट जो एडसेंस में जमा होता है उसे अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था नवंबर में 2020, और ये जो महीना है ये है जुलाई महीने का, यानी अगर मैं कहूँ ऑलमोस्ट मुझे 7 से 8 महीने लग गए वो थ्रेशोल्ड को क्रॉस करने में, यानी $100 को क्रॉस करने में। वैसे $100 कितना होता है आज के हिसाब से, अगर मैं कहूँ, अगर हम 70 रुपीज़ भी पकड़े पर डॉलर, एक एवरेज अगर मैं बात करूँ तो 7,000 रुपया। लेकिन ये जो 7 से 8 महीने में धीरे धीरे करके सेंट बाय सेंट, डॉलर बाय डॉलर, जो ये थ्रेशोल्ड बढ़ते 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 धीरे धीरे करके $100 हुआ, यूजुअली मंथ के 22 से 25 तारीख के बीच में वो अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर होती है। ये फर्स्ट टाइम मेरे साथ हो रहा था कि YouTube से मुझे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो रहे थे US डॉलर्स में, $100। हाँ, कितना अमाउंट हुआ है ट्रांसफर वो मैं आपको थोड़े टाइम में बताता हूँ, लेकिन ये एक प्रोसेस मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो ये जो $100 हैं ये वैसे भी US से आ रहे हैं, तो यूजुअली होता क्या है कि जो आपका होम ब्रांच है या फिर जहां पर भी जो भी अकाउंट नंबर आपने दिया हुआ है वहां से आपको एक मेल आता है, और YouTube की तरफ से भी आपको एक मेल आता है। तो ये दो मेल आपको आएंगे, फर्स्ट मेल जो आएगा वो YouTube आपको बताएगा कि भैया हमने ये इतना इतना अमाउंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। अब होता क्या है कि बैंक की तरफ से आपको एक मेल आएगा इनवर्ड रेमिटेंस का, जो लोग नेट बैंकिंग यूज करते हैं उसमें भी आपको ये एक सेक्शन मिल जाता है अकाउंट्स वाले ऑप्शन में। अगर मोटा मोटा आपको समझाऊं तो अगर आपके अकाउंट में किसी बाहरी देश से किसी तरह का अमाउंट ट्रांसफर होता है, आपका जो बैंक होता है वो एक अलर्ट मेल भेजता है कि आपके अकाउंट में कुछ इतना इतना अमाउंट आ रहा है इस अकाउंट से, तो क्या करना है, आपसे एक सवाल पूछता है। तो उसका एक प्रोसेस है, जैसे मुझे तो बैंक से मेल आ गया, मैंने उन बैंक वालों को एक मेल कर दिया, जी हाँ मैं एक यूट्यूबर हूँ और मुझे यूट्यूब की तरफ से US डॉलर्स में US से ये एक अमाउंट आ रहा है जो कि इन फ्यूचर आते रहेगा। तो ये एक चीज़ मुझे बैंक वालों को बतानी पड़ती है और फिर बैंक वो अमाउंट को प्रोसेस करते हैं। नाउ इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर्पस कोड में आप शायद कंफ्यूज हो जाएं। पर्पस कोड की एक बहुत बड़ी लिस्ट होती है, अगर आप गूगल पे सर्च भी करेंगे तो आपको पर्पस कोड की एक बहुत बड़ी लिस्ट मिल जाएगी। पर्पस कोड एक्चुअली होता क्या है, बैंक ये जानना चाहता है कि आपके अकाउंट में ये अमाउंट किस वजह से आया, किस पर्पस से आया है, तो वो पर्पस हमें उन्हें बताना पड़ता है और उसे कहते हैं पर्पस कोड। नाउ ऐसे कई सारे पर्पसेस हैं, 400 से 500 या मे बी शायद ज्यादा है। जो यूट्यूब की तरफ से आने वाले अमाउंट का पर्पस कोड होता है वो होता है P1007, जिसे वो कहते हैं एडवर्टाइजिंग ट्रेड फेयर सर्विस। तो ये पर्पस कोड, यानी जितने भी यूट्यूबर्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं और उन्हें अपना पर्पस कोड नहीं पता चल रहा है, तो आप P1007 ये पर्पस कोड यूज कर सकते हैं फॉर यूट्यूब इनकम। तो ये सारी चीजें करने के बाद जिस दिन मुझे मेल आया उस दिन शाम तक मेरे अकाउंट में वो अमाउंट ट्रांसफर हो चुका था। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, जिस चीज के लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं। नाउ मुझे यूट्यूब से कितना इनकम आया, मतलब मेरा नवंबर से लेकर के जुलाई तक एक एक डॉलर करके, जैसा मैंने थ्रेशोल्ड कहा $100 का है, सो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे $109.18, यानी $109
18 सेंट्स, जो कि उस दिन के कन्वर्जन रेट के हिसाब से यानी यूएस करेंसी कन्वर्जन रेट के हिसाब से मेरे अकाउंट में करीबन 8,000 रुपए के आसपास ट्रांसफर हुए थे। ये जो एक मोमेंट था, ये मेरे लिए बहुत खुशी का भी मोमेंट था और इमोशनल भी मोमेंट था, क्योंकि अर्चना अगर होती तो वो बहुत खुश होती। आई एम श्योर वो देख रही है तो खुश हो भी रही होगी, तो हाँ वो बहुत खुश होती। और थैंक्स टू यू गाइज, जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं नॉटी चाचू के, जो काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं हमारे चैनल के साथ, जो हमारे कंटेंट को किसी वजह से देखते हैं, चाहे उन्हें हंसना हो, रोना हो, या कोई चीज़ एक्सपीरियंस करना हो, या किसी चीज़ के बारे में जानना हो, जिस भी वजह से आप हमारे वीडियोस देखते हैं तो बहुत अच्छा लगता है यार। बट यार कुछ गिने चुने ही वीडियोस क्यों देखते हो, बाकी वीडियोस भी देखो, मैं व्लॉग्स भी बनाता हूँ, रिव्यूज़ करता हूँ। मतलब आपने मेरे अनुश्रुत वीडियो को तो बहुत ऊपर ले के चले गए, लेकिन बाकी वीडियोस को भी प्लीज़ थोड़ा धीरे धीरे करके ऊपर ले जाओ। ये जो YouTube का अमाउंट है, मैंने कुछ सोचा है इसके बारे में, क्या सोचा है वो भी बताता हूँ। मैं इस अमाउंट से 5,000 रुपए सोच रहा हूँ कहीं पर डोनेट करूँ, तो मैं चाहता था कि ये जो अमाउंट है किसी रिलायबल फाउंडेशन के पास जाए, जो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और हम तो सब जानते हैं कि सोनू सूद सर काफ़ी टाइम से यानी लॉकडाउन के टाइम से ही सभी की हेल्प कर रहे हैं। तो यस, जब तक वैसे आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक मैं ये डोनेशन कर चुका होऊंगा। और रही बात बाकी बचे पैसों की, तो मैं सोच रहा हूँ किसी इक्विपमेंट में खर्चा करूँ, यानी कुछ छोटा मोटा इक्विपमेंट, यानी ज़्यादा महंगा इक्विपमेंट तो नहीं ले पाऊँगा, बट हाँ आप लोगों को वीडियो की क्वालिटी भी देनी है, क्योंकि आप लोग मेरे वीडियोज़ इतने मन लगा के अगर देखते हैं तो आप लोगों को क्वालिटी तो देना बनता है। और छोटा मोटा जो भी अमाउंट बचेगा उसकी पार्टी कर लूँगा माँ बाबा के साथ। ये ब्लैंक चेक दिखा रहा हूँ आप लोग को, ऐसे ये ब्लैंक चेक जस्ट मैंने थंबनेल के लिए यूज़ किया, तो अकाउंट ट्रांसफर हो गया पैसे, वाओ इट्स अ गुड फीलिंग बाय द वे। सो या एंड करते हैं इस ब्लॉग बोल रहा हूँ, सो यस एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। और आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, लाइक कीजिए यार, कमेंट भी किया कीजिए, ताकि यूट्यूब के एल्गोरिदम को पता चले कि सुमित चक्रवर्ती नहीं नॉटी चाचू की वीडियोज को थोड़ा ऊपर फेंकना है। तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट योर थॉट्स, आपको क्या लगता है, अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव, जैसे खासकर पर्पस कोड के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता रहता है, तो आपको लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और मेहनत तो और ज़ोरों से होगी इस चैनल के लिए, अब ऐसे ही धीरे धीरे करके, आई डोंट नो अब नेक्स्ट अमाउंट कब तक आएगा, जो कि थ्रेशोल्ड है, वो थ्रेशोल्ड अगर मुझे पूरा करने में 7-8 महीने लगे, नेक्स्ट अमाउंट आप लोगों के हाथ में ही है, सच बताऊँ तो। जैसे जैसे आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो डेफिनेटली व्यूज़ के द्वारा, एड्स के द्वारा मैं छोटा मोटा कुछ अमाउंट कमाने लगूंगा। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।